जब जड़ मजबूत रहेगी तभी पौधे अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो पौधों के साथ साथ पौधे के बेस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पौधे लगाते हैं, मिट्टी की बात करने वाले हैं। क्योंकि जुलाई का महीना चालू हो चुका है और बारिश का सीजन बहुत जोर शोर से चालू है, और इस सीजन में पौधों में जो समस्या तो आती है, साथ ही साथ गमले की मिट्टी या जमीन की मिट्टी में जो समस्या उत्पन्न होती है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और इस समस्या का निदान भी हम देखेंगे और कौन सा एक फर्टिलाइजर है वो हम यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और आप सभी जानते हैं कि अभी बारिश बहुत जोर शोर से चालू हो चुकी है, तो आज बारिश नहीं हो रही थी उस समय मैंने ये वीडियो बनाया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या किया है, और मेरे आप जितने भी गमले अभी देखेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने रेत डाली है। रेत क्यों डाली है? कि अच्छा ड्रेनेज बना रहे और हमारे पौधे ज़्यादा बारिश में ख़राब ना हो। तो ये मैंने ऊपर से डाल के दिखाया, ये काम मैंने सारे पौधों में किया है। और ये करेले की बेल आपको दिखाई दे रही होगी और इसमें करेले भी छोटे छोटे आ रहे हैं, फूल आप देख रहे होंगे, और मैं फोकस करके आपको दिखा रही हूँ कि ये करेले की बेल बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। इस समय आप सब्जियाँ उगा सकते हैं, और ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आप इजीली अपने घर में करेले वगैरह लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने हल्दी की गांठ डाल दी थी, तो हल्दी भी हो रही है। और बाकी सारे गमलों में भी आप देख रहे होंगे, सब में पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पौधों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन पौधों के गमलों की मिट्टी या जमीन की मिट्टी का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बारिश के सीजन में धूप भी नहीं आती है, और इस सीजन में आपको कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना है। सिर्फ एक मुट्ठी ये अपने गमले में डालिए, और ये फर्टिलाइजर आपके गमले की जो मिट्टी है उसको हेल्दी बना के रखेगा। जब भी बारिश का सीजन आता है तो मैं ये फर्टिलाइजर जरूर अपने सारे गमलों में डालती हूँ, और ये मैंने सारे गमलों में डाल दिया था। सिर्फ एक गमला आपके लिए बचा के रखा है, क्योंकि ये खाली था, तो इसमें मेरे को पेड़ लगाना है। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से इसमें पेड़ लगाए हैं। तो ये तो मैंने जो खाली गमला था उसमें किया है, लेकिन आप सभी गमलों में या जमीन की मिट्टी है उसमें भी आप हल्की हल्की गुड़ाई करिए पहले, और गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइजर को ऐसे ही मिला दीजिए। याद रखिएगा इसकी क्वांटिटी भी आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, और ये काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारे फर्टिलाइजर है। और आपको मालूम है कि मैं किचन कंपोस्ट अपने पॉट में यूज़ करती हूँ और गोबर की खाद भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस सीज़न में मैंने अभी तक कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है और ज़रूरत भी नहीं। सिर्फ आप ये ही फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए इस मौसम में, बारिश के सीज़न में। और ये फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा क्वांटिटी में डालना भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर पॉट। अगर आपका पॉट छोटा है तो 2-3 चम्मच डालिए, और अगर आपके पॉट बड़े हैं तो 5-6 चम्मच डाल दीजिए। और ओवर फर्टिलाइज़र भी हमारे पौधों को नुकसान करता है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो पौधों के लिए ज़रूरत है। तो अगर आप बारिश का पानी अपने पौधों में उपयोग में लाते हैं तो आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन तो उसी में मिल जाएंगे। और ये पाउडर हम इसलिए उपयोग में ला रहे हैं क्योंकि ये सब पोषक तत्व तो हमारे पौधों को मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो हमारे गमलों की मिट्टी या जमीन की मिट्टी में दिक्कतें आती हैं, कीड़े मकोड़े, दीमक, फंगस की, चींटी की, और जो घोंघे हैं, स्नेल की, स्लग की, तो उससे निजात मिलती है, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं रहते हैं, दूर भागते हैं। नीम के एक नीम पाउडर आपको इस मॉनसून सीजन में, बारिश के सीजन में उपयोग में लाना है, और कोई भी फर्टिलाइजर ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। हर 15-20 दिन में आप ये यूज़ कीजिए। तो इस वीडियो में मुझे आप बस आपसे यही शेयर करना था, और अपना तो ध्यान रखिए, साथ ही साथ गमले में जो पौधे हैं उसका तो आप ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जो बेस है, उसकी जड़ है जिसमें आप पौधा ग्रो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसको मजबूत रखिए।
तो बस इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।